हेलो एवरीवन, आप मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हम एनसीईआरटी मैथ्स के सॉल्यूशन करने वाले हैं और आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है नंबर सिस्टम्स का। जैसे आपको पता है कि हमारे यूनिवर्स में दो ही टाइप के नंबर्स होते हैं। एक होते हैं बच्चे आपके रियल नंबर्स, जिसको आप आर से डिनोट करते हैं, और एक इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। बट क्लास टेंथ तक आप सिर्फ रियल नंबर की हिस्ट्री को ही डिस्कस करते हो और इमेजिनरी नंबर्स पे काम हमारा प्लस वन लेवल से जब कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर्स आते हैं तब से हम डिस्कस करते हैं। तो रियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं और रियल्स में भी बहुत सारे नंबर होते हैं। जितने भी नंबर्स आप पढ़ते हो वो सारे के सारे आपके रियल नंबर के अंदर के इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप नेचुरल नंबर पढ़ते हो 1, 2, 3, 4 होते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर पढ़ते हो आप जिसमें एक एक डिजिट है वो 0 एक्स्ट्रा आ जाती है, बाकी नेचुरल नंबर सारे इंक्लूड होते हैं। फिर आप इंटीजर्स पढ़ते हो जिसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, 0 भी आती है और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। और ये जो नंबर्स होते हैं इंटीजर्स के अंदर, जेड से आप नोटेशन शो करते हो, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते, प्रॉपर नंबर होते हैं, पॉइंट में ये नहीं होते, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें इंटीजर्स के अलावा, जो हमारे रेशनल नंबर्स हमारे पास आते हैं, जो कि रेशनल नंबर्स को आप क्यू सिंबल से डिनोट करते हो और ये पी बाई क्यू फॉर्म के होते हैं, यानी कि यहाँ पे आपके रेशनल फॉर्म के होते हैं, जहाँ पे क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, क्योंकि किसी भी डिजिट को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका एरर देती है, यानी कि मैथ्स के अंदर एरर होता है, डिफाइन ही नहीं होता है इस टाइप का कोई नंबर, इनफाइनाइट आप नाम देते हो उसको, तो 0 नहीं होगा क्यों कभी भी। उसके बाद ये न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा न्यूमरेटर से ज़्यादा हो जाएगी इसके अंदर। तो ये इस टाइप के सारे नंबर्स हैं आपके। एक्सरसाइज से डायरेक्ट शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 1.1, और आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर्स है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 0 क्या एक रेशनल नंबर है, यानी कि रेशनल का मतलब आप पी बाई क्यू फॉर्म में इसको लिख सकते हो क्या, जहाँ पे पी और क्यू सारे इंटीजर्स होते हैं आपके। इंटीजर्स का मतलब क्या है कि प्रॉपर वैल्यू होती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो आपका आंसर जो रहने वाला है वो है यस, कि 0 है वो भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल का मतलब है इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, 0 ही आंसर आएगा, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में हमने लिख दिया। और 0/1 क्या है, इंटीजर्स हैं दोनों, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी है, यानी कि रेशनल नंबर के फॉर्म में हमने इसको डिनोट कर दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका आता है, आपको निकालने हैं रेशनल नंबर्स, कितने 6 रेशनल नंबर। यहाँ पे अलग अलग डिजिट आपको शो होगी, 4 रेशनल नंबर निकालने हैं, 6 निकालने हैं और 3/4 के बीच में निकालने हैं। एग्जांपल भी इससे पहले आपका मैथ्स में आता है कि 1/2 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होंगे। तो इसका एक ईजी सा फॉर्मूला है, जितने भी आपको रेशनल नंबर बोला जाए उसी नंबर से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। जैसे आपको बोला गया है एक नंबर 3 है और एक 4 है, 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं ये ध्यान में रखना है। 6 नंबर फाइंड आउट करने हैं तो 6 से ही मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर को और 6 से ही डिवाइड। सेम हेयर, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से डिवाइड, आपका यहाँ पे 24/6 आ जाएगा और इस ये नंबर 18/6 आ जाएगा। इन दोनों नंबर को अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो 18 और 24 के बीच में कितने नंबर लाए करते हैं, 6 नंबर लाए करते हैं। तो 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, ये सारे से के सारे आपके रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। बट आप ये जो एग्जांपल दिया हुआ है इसके हिसाब से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो कि इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं किसी भी नंबर के बीच में। नंबर लाइन पर अगर आप शो करो तो ये आपका 3 है और ये 4 है, इनके बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, 3.1, 3.2, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में क्या किया हुआ है बच्चे, यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे इसने 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड किया हुआ है, और उस तरीके से भी बहुत सारे नंबर आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड करके भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही नंबर है आपके पास दिया हुआ है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। आपको पता है कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, बट आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं और 5 करने हैं। तो आप क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया, दोनों को ही नंबर्स को 5 करने हैं तो यहाँ पे 6 से कर दिया, 5 से भी कर सकते हो आप, 6 से भी कर सकते हो, 7 से भी कर सकते हो, उतने निकल जाएंगे।
तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, 18/30 हो गया। ऐसे ही 4/5 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, एक रेशनल फॉर्म में ले आए इसको, और इनके बीच में रेशनल नंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं, यानी 18 और 6 24 के बीच में कितने होंगे, 18 और 24 के बीच में 2 और 5 रेशनल नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। एक आ जाएगा आपका 90/30, 20/30, 21/30, 22/30, इस टाइप से बहुत सारे आपके रेशनल नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे जो कि यहाँ पे शो हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ट्रू और फॉल्स में बताना आपको क्या इसका आंसर रहने वाला है और रीजन भी देना है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो गए। आपको पता है नेचुरल नंबर n 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 इस टाइप से जाते हैं, और होल नंबर होते हैं 0 1 2 3। पूछा क्या गया है कि एवरी नेचुरल नंबर, ये जितने भी जितने नेचुरल नंबर है क्या ये होल नंबर होंगे। बिल्कुल होंगे, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में ही कंटेन होते हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ से आ जाएगा ट्रू है, बिकॉज जो कलेक्शन है होल नंबर्स का वो कंटेन्स करता है, ऑल नेचुरल नंबर को कंटेन करता है। सेकंड आपका क्वेश्चन है एवरी इंटीजर, इंटीजर आपने पढ़ा जेड सिंबल से, माइनस वाले नंबर भी होते हैं, जीरो भी होती है, और प्लस वाले नंबर्स भी होते हैं। क्या एवरी इंटीजर होल नंबर होगा? आंसर रहेगा फाल्स, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट होल नंबर कभी हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव रहते हैं, फाल्स हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल भी आप देख सकते हो, कोई भी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे उठा दिया कि -3 है, वो इंटीजर तो है बट होल नंबर नहीं है। -3 की जगह -2 ले सकते हो, -5 ले सकते हो, कोई भी आंसर ले सकते हो। थर्ड आपकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि एवरी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसको पी वाई क्यू फॉर्म में शो कर रहे थे, क्या वो हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होगा? कोई एक सिंपल एग्जांपल, एक सिंपल डिजिट इस अगर स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव कर रही है तो वो उसके लिए फॉल्स ही हो जाएगा। तो आपकी स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स हो जाएगी कि हर एक रेशनल नंबर है, रेशनल तो क्या होते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म के होते हैं, पी वाई क्यू फॉर्म के होते हैं, तो वो बट होल नंबर्स मे नॉट बी होल नंबर है, वो फ्रैक्शन फॉर्म के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बिकॉज 1/5 आपके पास एक नंबर लिया, आपने एग्जांपल दिया कि वो रेशनल नंबर तो है बट वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो हर एक रेशनल नंबर है वो होल नंबर नहीं हो सकते। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं यहाँ पे।